कहीं मैला तो नहीं हुआ, कहीं फट तो नहीं गया, और अगर ऐसा होता है तो तुरंत उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देके उसको ठीक करवाया जाए। एक चीज और कि सभी सम्मान समितियों को मैं समझता हूं हर रविवार को आप अपना समय तय कर लीजिए, पर मैं कहूंगा 10 बजे तिरंगे के पास आके वहां के आसपास के जितने लोग इकट्ठे हो सके उनको इकट्ठा करके हर संडे को 10 बजे वहां पे राष्ट्रगान गाना चाहिए। हम कितनी बार देखते हैं, जब कई बार ऐसा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में मुठभेड़ होती है, ये होती है वो होती है, और जब हमारा सिपाही ऊपर सियाचिन के ऊपर जाके तिरंगा गाड़ता है उसको कितनी गोलियां लगी हुई हैं, कितना मुश्किल से वो चढ़ते 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 जब तिरंगा गाड़ता है तो सीना चौड़ा हो जाता है, हम सबका, पूरे देश का सीना चौड़ा हो जाता है। आज इस मौके पे जब तिरंगा सम्मान समितियों का गठन किया जा रहा है, मैं आपके सामने दो प्रस्ताव, दो आइडियाज रखता हूं। पहला प्रस्ताव, केवल तिरंगा कोई कपड़ा या कोई पोल नहीं है, तिरंगा भारत को रिप्रेजेंट करता है, तिरंगा भारत नाम के आइडिया को, भारत नाम की भावना को रिप्रेजेंट करता है, भारत मां को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें हम लोगों को सबको वापस जाना है, तो मेरा तिरंगा सम्मान समिति, हर तिरंगा सम्मान समिति को मेरा पहला प्रस्ताव है कि असली सम्मान तब होगा जब आप भारत मां की सेवा की भावना अपने अपने इलाके के अंदर घर घर तक पहुंचाएंगे। अपने अपने इलाके के अंदर घर घर तक जब ये बात पहुंचेगी, जब एक एक आदमी ये कहेगा कि मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूं, मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूं, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, मेरा देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये भावना हमें घर घर तक पहुंचानी है। और मेरी हर समिति से निवेदन है कि आप अपने अपने इलाके में कम से कम 1000 भारत के नौजवान सिपाही तैयार करें, भारत के लिए नौजवान वॉलंटियर्स तैयार करें, अपने अपने इलाके में 1000 वॉलंटियर्स तैयार करें। जो जो समितियां 1000 वॉलंटियर्स तैयार कर लेंगी, उन समितियों के उसके साथ मैं डिनर करूंगा, उनके साथ अपने घर पे आमंत्रित करके उन समितियों, जो जो समिति करती जाएगी उसके साथ मैं डिनर करूंगा। उन 1000 लोगों का क्या काम होगा? 5 काम दे रहा हूं मैं। उन 1000 वॉलंटियर्स जो तैयार किए जाएंगे उनके 5 काम हैं, और हमें 1000 की वेट नहीं करनी। 100 वॉलंटियर तैयार हो गए उनसे भी काम शुरू कर दो, 200 तैयार हो गए उनसे भी काम शुरू कर दो, लेकिन 1000 वॉलंटियर्स होने के बाद हम आप मुलाकात करेंगे, सीधे मुलाकात करेंगे, खाना खाएंगे बैठ के, सेलिब्रेट करेंगे उसको। तो 5 काम मैं उन वॉलंटियर्स को दे रहा हूं, आप लोगों को उनको मोबिलाइज करना है। पहला काम, आपको अपने इलाके के अंदर सुनिश्चित करना है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर अब भूखा नहीं सोना चाहिए, हर आदमी को खाना मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई जो बहुत गरीब आपके इलाके के परिवार हैं, उनकी सूची बना लो, उनको अपना फोन नंबर दे दो, कहीं उनके घर में कुछ खाने को नहीं हो, अपने घर से भेज दो खाना, किसी और से भेज दो खाना, खाना तो दे ही सकते हैं हम लोग, खाना तो खिला ही सकते हैं, आपस में हाथ से हाथ बढ़ाएंगे तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। तो हमें पहली चीज सुनिश्चित करनी है कि कोई भूखा नहीं सोना इस कमेटी को। दूसरी चीज सुनिश्चित करनी है, ये 1000 वॉलंटियर्स जो हम तैयार करेंगे, घर घर का मुआयना करके ये सुनिश्चित करना है कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे स्कूलों में होने चाहिए,
हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जो कि किसी भी कारणवश, गरीब का अमीर का किसी भी कारणवश कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट में पढ़े, सरकारी में पढ़े, किसी में पढ़े, वो दिक्कत नहीं है, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी ही मिलनी चाहिए। तीसरी चीज, सबको अपने फोन नंबर दे देना, किसी के घर में कोई बीमार हो उसको अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए, उसको दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। अब हमने दिल्ली में कर दिया, अब दिल्ली में सारे सरकारी अस्पतालों में कोई दवाइयों की कमी नहीं है, फ्री में इलाज होता है, कोई किसी ऑपरेशन सब कुछ फ्री में होता है, लेकिन कई लोग वहाँ तक जा नहीं पाते, कई मान लो बूढ़े लोग हैं वहाँ तक जान। आपको ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी घर के अंदर कोई भी बीमार आदमी को किसी स्वास्थ्य सेवाओं की उसको कमी नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़े आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, जरूरत पड़े आप मेरे को फ़ोन करो, जिस भी तरह की ज़रूरत हो हमें उसकी मदद करनी है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसको अस्पताल पहुंचाना है, अब तो हमने दिल्ली में फरिश्ते स्कीम निकाल दी, किसी का एक्सीडेंट हो जाए किसी भी अस्पताल में ले जाओ, सारा इलाज मुफ्त होता है, आपको कुछ करने के बस ले जाना है अस्पताल, हमें जान बचानी है। फरिश्ते स्कीम में 13,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक हम लोग, अब जनता का सहयोग चाहिए, सारी जनता को मिलकर इसमें साथ देना है। चौथी चीज, कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं होना चाहिए। जितने लोग बेघर हैं सड़कों पे सो रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, ये मैंने खूब बहुत किया जब मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था, सड़कों पे जो भी होते थे उनको उठा के हमारे जो रात नाइट शेल्टर्स हैं आप वहाँ पे उनको वहाँ पे भेज दीजिए। जितने भी बेघर लोग हैं उनको नाइट शेल्टर में, और जितने स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं सड़कों पर रह रहे बच्चे हैं भिखारी हैं उनकी एक बार लिस्ट बना लो, अगर हो सके तो स्कूल में जाते हो तो स्कूल में भर्ती करा दो, नहीं तो अभी मैं और मनीष जी मिलके बेघर और स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चों के लिए एक शानदार रेजिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं। उस स्कूल में आप लिस्टें बना के रख लो, स्कूल में इन सारे बच्चों को हम भर्ती करा के गरीब से गरीब के बच्चे को भी शानदार इंजीनियर डॉक्टर लॉयर बनाएंगे, उस जो भिखारी था ट्रैफिक लाइट के ऊपर जो भीख मांगता था, कल मैं उसको इंजीनियर और डॉक्टर बना हुआ देखना चाहता हूँ। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और पांचवी और आखिरी चीज, हमें अपने इलाके की सफाई सुनिश्चित करनी है। सड़क सरकारें भी कर रही है, जो भी कर रही है सरकारी, मैं किसी भी सरकार को कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी अपने को भी तो लेनी पड़ेगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है, अक्सर हमारी हमारे अंदर क्या भावना आती है जब भी हम सफाई की बात करें, सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे, सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे। कभी हमने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ के उनकी मुसीबतों के बारे में समझने की कोशिश की? हमने कभी नहीं की। एक बार ये समिति और इनके 1,000 वॉलंटियर्स सारे सफाई कर्मचारियों को बुला के वैसे ही उनको सम्मान कर दो, वैसे ही उनके साथ बैठ जाओ, पता तो करो उनके घर में क्या तकलीफें हैं। किसी भी सफाई कर्मचारी को किसी तरह की घर में तकलीफ हो आप उसका साथ दो, आप उसके साथ झाड़ू पकड़ के थोड़ी देर आप भी झाड़ू लगा लो, देखो ये सफाई कर्मचारी आपकी घर आपका पूरा इलाका चमका देंगे। उनको सम्मान देना है, उनको साथ लेना है, उनके घर की समस्याओं को सॉल्व करना है। तो ये पांच काम मैं तिरंगा समितियों को और दे रहा हूं, आप पांच लोग अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 1,000 वॉलंटियर्स अगर आपने तैयार कर लिए, सोचो 500 समितियां 1,000 वॉलंटियर, दिल्ली के अंदर 500,000 युवा दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान ना करे भगवान ना करे कल को कोई कोरोना जैसी बीमारी हो जाए, तो ये सारे वॉलंटियर्स सोचो कितना बड़ा काम कर सकते हैं दिल्ली के लिए। 500,000 वॉलंटियर्स किसी भी बड़ी सब कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी महामारी को
झेल सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। एक और बात, किसी किस्म की राजनीति नहीं करनी। ये जो वॉलंटियर्स होंगे ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स नहीं होंगे, ये बीजेपी के वॉलंटियर्स नहीं होंगे, ये कांग्रेस के वॉलंटियर्स नहीं होंगे, ये देश के वॉलंटियर्स होंगे, भारत माता के वॉलंटियर्स होंगे। तो ये मत सोचना ये तो बीजेपी का है, ये तो कांग्रेस का है, इससे मेरे को बात नहीं करनी। सारे जिस दिन 130 करोड़ लोग मिलके भारत माता के बारे में सोचने लगेंगे, आप सोचो भारत कहां का कहां पहुंच जाएगा। हमें वो माहौल पैदा करना है, हमें उस स्थान पे जाना है, हमें वहां पहुंचना है। तो ये राजनीति ने बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का। राजनीति नेताओं को मुबारक, राजनीति पार्टियों को मुबारक। हमें क्या लेना देना राजनीति से, हमें कुछ लेना देना नहीं है राजनीति से। मैं तो बार बार कहता हूं मेरे को राजनीति आती नहीं है। हमें राजनीति वो लोग करें, अपने को तो भारत के लिए काम करना है सारे मिलके। केवल जब आप जाओ अपने इलाके में काम करने, सबको जोड़ना, किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, गरीब हो, अमीर हो, जो जुड़ना चाहे उसको जोड़ना है अपने को। राजनीति इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा प्रस्ताव मेरा, अभी हमने 500 तिरंगे लगाए हैं। आप घर से निकलते हैं तो हर 3-4 किलोमीटर पे एक तिरंगा मिलेगा। अब हमारा मकसद है हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए, हर दिल्लीवासी के हाथ में तिरंगा होना चाहिए। तो कुछ दिन के बाद दिल्ली सरकार एक कार्यक्रम लॉन्च करेगी, हर हाथ तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा होगा। हमारा मकसद है कि 24 घंटे आदमी ये सोचे कि मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूं, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा सब कुछ देश के लिए है। और जब रात को वो सोए, वो ये सोचे कि आज मैंने इस पूरे दिन में भारत माता के लिए क्या किया। और जैसा मैंने कहा, जिस दिन 130 करोड़ लोग मिलके केवल और केवल भारत के लिए सोचना चालू करेंगे, सबके परिवार भी ठीक हो जाएंगे, गरीबी भी दूर हो जाएगी, भारत भी तरक्की करेगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। दोस्तों, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। 115 फीट ऊंचे तिरंगे के सम्मान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आपको बता दें, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोगों को संबोधित किया। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यहां राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और तिरंगा भारत माँ को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असली सम्मान तब होगा जब भारत माता के प्रति सेवा की भावना हर घर पहुंचेगी। तो हर इलाके में 100 वॉलंटियर्स तैयार करें, ये बात मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही। और उन्होंने बोला कि 1000 वॉलंटियर्स करने के बाद मुलाकात की जाएगी और हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 100 वॉलंटियर्स तैयार करें और हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।